नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में और जहांगीरपुर फुटबॉल महाकुंभ जो जन कल्याण समिति जहांगीरपुर व वस्त ग्रामवासियों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है कि दूसरे दिन रोमांचकारी फुटबॉल मुकाबले हुए जिसमें पहले मैच में रोहतक की टीम ने शहाबाद मारकंडा के हुए मुकाबले में जोरदार फुटबॉल आपको देखने को मिली जिसमें शहाबाद मारकंडा की टीम ने दो जीरो से रोहतक को हराया वहीं खेड़ी तलवाड़ा की टीम और जो मुकाबले हुए खेड़ी तलवाना के बीच में और जो करोथा की टीम थी उन दोनों के बीच भी जोरदार मुकाबले हुए जिसमें करोथा की टीम एक जीरो से विजयी रहे आपको बता दें कि एक लाख रुपए की इनामी फुटबॉल प्रतियोगिता जिसमें हरियाणा प्रदेश और आसपास की महत्वपूर्ण टीमें भाग ले रही हैं उसके तीसरे मैच में लोवा खुर्द और डाबोदा की टीम के बीच जोरदार मैच खेला गया जिसमें लोवा खुर्द की टीम ने दो जीरो से जीत दर्ज की वहीं आनंद एफसी क्लब आनंद फुटबॉल क्लब जींद व करेंटी के बीच हुए मैच में आनंद फुटबॉल क्लब जींद की टीम ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए करेंटी की टीम को तीन जीरो से मात दी वहीं हनुमान क्लब फुटबॉल क्लब बादली व नूना माजरा के बीच खेले गए मैच में बादली हनुमान क्लब ने एक जीरो से हराकर नूना माजरा से यह मैच जीता खेड़ी जट व करोथा बी के बीच हुए जोरदार मुकाबले में खेड़ी जट की टीम दो जीरो से विजयी रही आपको बता दें कि तीन दिन तक चलने वाली है फुटबॉल प्रतियोगिता जिसमें लाखों के इनाम दिए जाएंगे इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन जोरदार फुटबॉल वहां देखने को मिली यूथ जनकल्याण समिति के अध्यक्ष सत्यप्रकाश गुलिया जहांगीरपुर व मास्टर करमबीर गुलिया सोमवीर फौजी व सिकंदर फौजी व रोहतास व कृष्ण ने जानकारी देते हुए बताया कि तीसरे दिन जो फुटबॉल मैच होंगे वो बड़े आकर्षक व जोरदार मैच होने वाले हैं और लगभग 34 से ज्यादा टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था दूसरा दिन था पहले दिन लड़कियों की फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और दूसरे दिन जोरदार फुटबॉल देखने को मिली